अक्सर जब लोग ध्यान की बात करते हैं तो उनके मन में एक तस्वीर उभरती है, एक कठिन परिश्रम, एक चढ़ाई जैसी प्रक्रिया। परंतु सच्चा ध्यान वह तो इसके बिल्कुल विपरीत है। ये एक विश्राम है, एक पूर्ण समर्पण, ना कि संघर्ष। ये प्रयास नहीं बल्कि निष्क्रियता में विश्राम है। सच्चा ध्यान यानी शांतिपूर्वक बैठना, कुछ ना करना, अपने होने में आराम करना। क्योंकि करने का मतलब हम अपने केंद्र से दूर हो गए। करने का मतलब है मन और शरीर का आगमन। या तो हमने सोचना और इच्छा करना शुरू कर दिया है, या हमने कुछ क्रिया करनी शुरू कर दी है। हमारा अस्तित्व तीन मंडलों से घिरा है। सबसे पहले भावनाओं का मंडला होता है। जब तुम कुछ महसूस करते हो तो तुम अपने अस्तित्व से दूर चले जाते हो। दूसरा विचारों का मंडला, जब तुम सोचते हो तो तुम और भी अधिक दूर चले जाते हो। और तीसरा क्रियाओं का होता है, जब तुम कुछ करते हो तो तुम बहुत दूर चले जाते हो। एक ध्यानी धीरे धीरे अंतर्मुखी होता है, पहले वह क्रियाओं को छोड़ देता है। इसलिए एक निश्चित विश्रामपूर्ण मुद्रा में शांतिपूर्वक बैठना महत्वपूर्ण हो गया। बुद्ध की मूर्तियां उन्हें एक विशेष मुद्रा में दिखाती हैं, जिसे पद्मासन कहा जाता है। ये शरीर के लिए सबसे आरामदायक स्थिति है, वैज्ञानिक रूप से भी। जब तुम पालथी मारकर बैठते हो और तुम्हारा हाथ तुम्हारे पैरों पर आराम करता है, तो तुम्हारे शरीर में एक ऊर्जा का एक चक्र गतिमान होता है। जब तुम्हारी रीढ़ सीधी होती है, तब शरीर सबसे अधिक आरामदायक स्थिति में होता है। इस मुद्रा में तुम्हारी शारीरिक ऊर्जा एक चक्र में गतिमान होती है, जिससे ऊर्जा संरक्षित होती है, एक सर्किट जैसे कंप्लीट हो गया हो, और ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। और इस ऊर्जा के प्रवाह में तुम अपने आप को पाते हो। इसी ऊर्जा के क्षेत्र में तुम गहरा विश्राम करते हो। ध्यान की प्रक्रिया में शरीर को एक निष्क्रिय मुद्रा में रहना चाहिए, ताकि विचार प्रक्रिया को रोकना आसान हो जाए। और इसका तरीका है विचारों को बिना किसी मूल्यांकन या निर्णय के केवल देखना। विचारों के प्रति उदासीन रहना, बिना किसी मूल्यांकन या निर्णय के उन्हें गुजरने देना, यही ध्यान की कुंजी है। जैसे ही तुम अधिक से अधिक उदासीन होते जाते हो, विचार कम से कम होते जाते हैं। जब तुम पूरी तरह से उदासीन हो जाते हो, मन गायब हो जाता है। और अंत में जब तुम अपने मन को देखने में सक्षम हो जाते हो, तुम भावनाओं के बहुत सूक्ष्म संकेतों को भी देखने में सक्षम हो जाते हो। भावनाएं अधिक सूक्ष्म होती हैं, इसलिए उन्हें अंत में ही संभाला जा सकता है। बस देखते रहो बिना प्रभावित हुए, और एक दिन भावनाएं भी गायब हो जाती हैं। शरीर वहां बैठा है जैसे कि बुद्ध की मूर्ति, और तुम बस अपने अस्तित्व में विश्राम कर रहे हो। यही स्थिति ध्यान है, और इसमें होना जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। एक बार जब तुम इसे जान लेते हो, तब तुम फिर से दुनिया में शरीर, मन, भावनाओं का उपयोग करते हुए चलना शुरू कर सकते हो। लेकिन अब तुम मालिक हो, इसी को बढ़ाते चले जाना है। परमहंस योगानंद जी बोलते हैं, ध्यान वहां से शुरू करो जहां से आखिरी बार तुमने छोड़ा था, वहीं से शुरू करो। ध्यान तुम्हारे जीने का एक ढंग हो जाए, एक लाइफस्टाइल बन जाए, वो तुम्हारे पूरे 24 घंटे में फैल जाए। ध्यान छाया की तरह तुम्हारे हर कार्य में प्रवेश कर जाए। इससे सुंदर और कुछ नहीं। प्रणाम।